अच्छी खबर, मार्ट आर्ट से आगे मंडले का सर्किट। मार्ट आर्ट को इंडोनेशिया में आयोजित होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। पर्टमिना मंडले का इंटरनेशनल सर्किट की मरम्मत अभी भी जारी है। पर्यटन, अर्थव्यवस्था और रचनात्मक सैंडियागो मंत्री ने कहा कि दुर्ना द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर फिर से फर्श पूरा किया जा सकता है। 11-13 फरवरी 2022 को मंडले का MotoGP प्री सीजन टेस्ट सत्र आयोजित करने के बाद डामर सर्किट की स्थिति MotoGP सवारों की मुख्य शिकायत बन गई। कुछ सवार कहते हैं कि मुख्य डामर परत में सामग्री कुछ बिंदुओं पर आसानी से अलग हो जाती है, इसलिए ये उच्च गति पर मार्ग सवारों के लिए बहुत खतरनाक है। सैंडियागो ने कहा कि टर्न 17-17 से ठीक पहले टर्न 5-5 के बाद 1.3 किलोमीटर के साथ फिर से फर्श किया जाएगा। पिछले रविवार को श्रीमती देवी और कुछ सहयोगियों ने मंडले का सर्किट का एक साइड विजिट किया और अपनी आंखों से देखा कि मोड़ 17-5 मोड़ के बीच का खंड लगभग 1.3 किमी दूर है, जिसे फिर से पक्का किया जाएगा। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में रुनो सोमवार 21 फरवरी 2022। सैंडियागो ने ये भी कहा कि मंडलिका में कुछ भारी उपकरण आ गए हैं। इस बीच पालो क्षेत्र सेंट्रल सुलावेसी से बचने के लिए कुछ ले गए पत्थर अभी भी रास्ते में हैं। मैंने सीधे देखा और निरीक्षण किया जो उपकरण इस सप्ताह काम करना शुरू करने के लिए तैयार थे, और पालो से भेजे गए समुच्चय भी मंडलिका के रास्ते में थे, सैंडियागो ने कहा। उन्होंने कहा कि MotoGP 18-20 मार्च से एक हफ्ते पहले फिर से फर्श की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। दरअसल डोर्ना की ओर से दी गई समय सीमा से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उम्मीद है कि हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हम डोर्ना द्वारा निर्धारित 11वें लक्ष्य से 2 दिन पहले हैं, इसलिए मैं पार्टियों से पूछता हूं और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि मौसम अनुकूल हो। उम्मीद है कि फिर से फर्श प्रक्रिया पूरी हो सकती है और इस सर्किट को सवारों द्वारा सबसे खूबसूरत उद्घाटन सर्किट के रूप में याद किया जा सकता है, उन्होंने कहा। जब हमने डोर्ना के साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, डोर्ना सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए MotoGP आयोजन समिति के प्रति बहुत आश्वस्त और आभारी है, और दौड़ की सफलता ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। सैंडियागो के अलावा 2022 मंडले का मार्च आग से पहले मंडले का सर्किट में सुधार के बारे में अच्छी खबर भी ITDC के संचालन और व्यवसाय नवाचार के निदेशक एरी प्रसेटियो द्वारा प्रकट की गई थी। एरी ने कहा कि मंडले का सर्किट ट्रैक के हिस्से का फिर से पर्शिय हाईएम और डोर्ना स्पोर्ट्स द्वारा दी गई समय सीमा से पहले पूरा किया जा सकता है, जो 18-20 मार्च को आयोजित होने वाली मंडले का MotoGP से एक सप्ताह पहले है। इन्होंने ये बयान तब दिया जब उन्हें मंडले का स्टेडियम रविवार 20 फरवरी 2022 में पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्री सैंडियागो सलाहुद्दीन से भेंट मिली। पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एरी ने कहा, इसलिए डोर्ना और ठेकेदार के साथ हमारी चर्चा के अनुसार हमारा लक्ष्य मार्च से एक सप्ताह पहले यानी 18 मार्च 2022 से एक सप्ताह पहले समाप्त करना है। एरी ने कहा, हम इस बात पर जोर देते हैं कि जैसा कि मंत्री ने बताया है, हम आज के कार्यक्रम से आगे हैं, इसलिए उम्मीद है कि इसे निर्दिष्ट समय से पहले पूरा किया जा सकता है। एरी ने आगे बताया कि मंडले का सर्किट का रिपेविंग टर्न 16 से टर्न 5 तक शुरू होगा। तकनीकी रूप से पिछले ट्रैक के डामर को आंशिक रूप से छीलकर फिर से पक्का किया जाएगा। एरी ने कहा, डामर का हिस्सा छील दिया जाता है क्योंकि इसे चिपकाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसे विश्वसनीय तकनीक वाली मशीन से छील देंगे, इसलिए प्रक्रिया काफी तेज है। अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में एरी ने कहा कि 80% पूरा हो चुका था और यह माना जाता था कि ये 2022 मंडले का MotoGP से पहले पूरा हो जाएगा, जो 18-20 मार्च को आयोजित किया जाएगा। अन्य बुनियादी ढांचे हम ग्रैंडा स्टैंड प्रीमियम देख सकते हैं, पिछले हफ्ते ये नहीं था, आज हम देख सकते हैं छत दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हम लगभग 80% कह सकते हैं। हमारे पास मंडले का MotoGP बनाने के लिए दौड़ के दिन तक अभी भी 25 दिन हैं। एक सफलता, अरी ने कहा। इस बीच सैंडियागो ने पूरे समुदाय से कहा कि वे मंडले का सर्किट की MotoGP दौड़ आयोजित करने की तैयारी के बारे में चिंता न करें। मंडले का इंटरनेशनल में ट्रैक की स्थिति के बारे में पूरे समुदाय की चिंता क्या थी, अब हमने समीक्षा की है और प्रगति पर है।
और वास्तव में हम मूल कार्यक्रम से दो दिन आगे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सैंडियागा ने कहा। सैंडियागा ने कहा, मैं ITDC दोस्तों की प्रतिबद्धता देखता हूँ जो असाधारण है और हमें इसकी सराहना करने की जरूरत है, और हम यहाँ बता सकते हैं कि हम MotoGP मंडली का। Subscribe dan share ya.